अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर गुरु कृपा संस्थान के तत्वाधान में दाऊदपुर स्थित एक निजी आवास पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संस्थान के संरक्षक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज के दिन को अगस्त क्रांति के दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर उमेश राय, महेश दुबे, अभिषेक त्रिपाठी, अविनाश द्विवेदी, अनिल यादव, नीलेश पांडे, आयुष त्रिपाठी, मोहम्मद शकील, मदन त्रिपाठी, मोहम्मद आरिफ, पम्पम पांडे, शनि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के संरक्षक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा, अपने मानुष तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले, आज के दिन हम सभी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जानते हैं और इसे पूरे भारतवर्षी अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के अगुवाई में एक बार समग्र पूरे राष्ट्र ने आज़ादी के लिए अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन छेड़ा था। इसके पहले के भी आंदोलन में हम टुकड़े टुकड़े में लड़ रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषा भाषी लोग आज़ादी के आंदोलन के लिए अपने अपने तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के आह्वान पर एक पूरे समूचे राष्ट्र ने एक असहयोग आंदोलन चलाया और जिसको आगे चलकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में जाना गया और उसी के अवसर पर एक आज गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें आज़ादी के इतिहास और आज़ादी की जो कीमत है उस पर सभी वक्ता अपने अपने विचार रखेंगे और इस तरह से हम उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को, उन राष्ट्रभक्तों को याद करेंगे जिनके प्राणों के उत्सर्ग के कारण आज हमको आज़ादी मिली और भारत माँ जंजीर गुलामी की जंजीर से मुक्त हुई और जिसके कारण हम सभी 15 अगस्त 1947 की मध्य रात आज़ाद हुए।